أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैंने 1993 में इमरान खान के साथ अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया और मैंने कभी अल्लाह के सिवाय किसी के आगे झुकते नहीं देखा इमरान खान को। और यही सबक इमरान खान ने जिंदगी भर अपने सारे दोस्तों को, जो फॉलोअर्स थे, जो पार्टी में आए, जो शौकत खानम में थे, उन्हें सिखाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और इसी चीज की कीमत आज अदा की है इमरान खान ने, क्योंकि जमीनी खुदा चाहते थे कि इमरान खान उनके सामने घुटने टेक दे और इमरान खान ने इनकार किया घुटने टेकने से, लात मारी वजारत उज़्मा को और अपने लोगों के बीच में आया। ये जंग इमरान खान प्राइम मिनिस्टरशिप की नहीं लड़ रहा है, ये जंग इमरान खान अपनी वजारत या अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं लड़ रहा है, ये जंग इमरान खान पाकिस्तान आपके, मेरे और हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है। 25 साल पहले बात की थी कि मैं अपनी कौम को खुददार बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की इज्जत हो, मैं चाहता हूं कि हम भीख न मांगे, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी बनाने का इख्तियार खुद रखता हो। और इमरान खान ने एक शानदार खारजा पॉलिसी बनाई। इमरान खान ने उस अमरीकी थ्रेट को, जो धमकी आमेज खत था, दुनिया के सामने लाया। आज तक पाकिस्तान का किसी कोई वजीर आजम इस तरह की चीज सामने नहीं ला सका। इसके माने ये नहीं कि किसी को लिखा नहीं गया, ये रूटीन है, हर एक को इस तरह के धमकी आमेज खत मिलते हैं, किसी को टेलीफोन आता है विद अस और अगेंस्ट अस, और घुटने टेक देते हैं, कांपे टांग जाती हैं, लेट जाते हैं अमरीकियों के आगे। लेकिन एक खुददार शख्स, ईमानदार दयानतदार शख्स, सच्चा और मुखलिस पाकिस्तानी इमरान खान, जिसने घुटने टेकने से इनकार किया, अपनी कौम के साथ खड़ा हुआ और दोबारा इंशाल्लाह पाकिस्तान को उसी मकाम पर लेके जाएगा जहां से उसने छोड़ा था। मैं समझता हूं शेख रशीद साहब ने बड़ी लंबी तारीख दे दी है 31 मई की, ये तो चंद दिनों के मेहमान हैं, ये इंशाल्लाह ये आपके आगे ठहर नहीं सकते। असल ताकत अल्लाह के बाद अवाम की ताकत है जो इमरान खान के साथ है, और दोनों ताकत इमरान खान के साथ है, अल्लाह की ताकत और अवाम की ताकत। कराची बताओ इमरान खान के साथ हो कि नहीं, लियाकताबाद, लियारी, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, डिफेंस, क्लिफ्टन, लांडी, करंगी, मलीर और पूरा कराची खान साहब आपकी एक आवाज पे बाहर निकलने को तैयार है। हम कराची को बंद भी कर सकते हैं, आप जब चाहें आजमा लें, आधे घंटे के नोटिस पे हम पहिया जाम कराची की करने की ताकत रखते हैं। हमने ये माजी में भी किया है, धरनों के दिनों में भी किया है, और हम फिर करने के लिए बेचैन है खान साहब, सिर्फ आपकी आवाज लगाने की देर है। हम रोडों पे निकल के इंशाल्लाह इनको छठी का दूध याद दिला देंगे, इनको बता देंगे कि जाली तरीके से चूहों की तरह इख्तदार के रास्ते घुसने के तरीके और हैं और अवाम के रास्ते और हैं।